नमस्कार, मैं संजय बग्गू हूं और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं आदमपुर का उपचुनाव जो आज पूरी तरह संपन्न हो गया, यानी कि 6 तारीख को उसकी मतगणना हो गई। और मतगणना के बाद जो चुनाव परिणाम सामने आया उसके अंदर देश रोजाना के सर्वेक्षण पर वो मोहर लग गई, जिसमें हमने कहा था कि भव्य बिश्नोई जो भाजपा के प्रत्याशी थे लगभग 15,000 वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव परिणाम जो सामने आया उसके अंदर भव्य बिश्नोई 15,714 वोटों से चुनाव जीते हैं, यानी कि जो 13 राउंड की गिनती के बाद जो चुनाव परिणाम सामने आया उस चुनाव परिणाम के अंदर भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,714 वोटों से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही भव्य बिश्नोई जहां आदमपुर के अंदर अपने परिवार की साख को बचाने में कामयाब हुए, चौधरी भजन लाल की साख को बचाने में कामयाब हुए, इसके साथ साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पिछले 3 साल में जो उपचुनाव हारने का धब्बा लगा था उसको धो दिया। यानी कि भव्य बिश्नोई के रूप में आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को जीतकर पिछले 3 साल में 2 उपचुनाव में हार हुई जो हुई थी उसका बदला ले लिया और एक सीट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई, 40 से 41 विधायक हो गए। उपचुनाव के इस परिणाम का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर होगा, हरियाणा की राजनीति किस प्रकार से बदलाव लेगी, यह तो भविष्य गर्भ में और अगले कुछ मिनट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी सही। लेकिन इससे पहले आपसे हम चर्चा कर लें कि जो 13 राउंड की गिनती हुई आदमपुर के अंदर 180 बूथ थे, लगभग 1,71,000 वोट थे जिनमें से लगभग 1,31,000 वोट कास्ट हुए, और जो उनकी मतगणना हुई उसके अंदर 13 राउंड की जो गिनती हुई उन 13 राउंड की गिनती में मात्र 4 राउंड ऐसे थे जहां भव्य बिश्नोई पिछड़े और 9 राउंड में भव्य बिश्नोई की बढ़त बरकरार रही। जिन 4 राउंड में भव्य बिश्नोई पिछड़े जिनमें यानी कि जेपी आगे रहे वो 4 राउंड थे। दूसरा राउंड था जिसके अंदर 1,000 वोट से लगभग जयप्रकाश आगे रहे, भव्य बिश्नोई पीछे रहे। दूसरा बूथ नंबर मतगणना का जो 10वां राउंड था इसके अंदर लगभग 600 वोट से भव्य बिश्नोई पिछड़े, 11वें राउंड में लगभग 1100 वोट से पिछड़े और 13वें राउंड में लगभग 700 वोट से पिछड़े। 13वें राउंड की खास बात यह थी कि 13वें राउंड की मतगणना में पहले नंबर पर जयप्रकाश रहे, दूसरे पर एनआरओ के कोड़ा राम रहे और तीसरे नंबर पर भव्य बिश्नोई रहे। दोस्तों, इस मतगणना की एक और बात आपको अहम बताएं कि मतगणना के अंदर जो 13 राउंड की गिनती हुई थी इन सभी 13 राउंड में मात्र 1 राउंड ऐसा था कि जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कोड़राम ने ज्यादा वोट ली, यानी कि 4 अंकों में उनकी वोट आई, नहीं तो बाकी 12 राउंड में उनकी जो वोट थी वो 3 डिजिट में थी, कुछ कुछ में 2 डिजिट भी थी। और लेकिन 13वां राउंड उसके अंदर उनको कोड़राम को 2390 वोट मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो 13वां राउंड में जिन मतों की गिनती हुई वो बालसमंद गांव था और बालसमंद गांव कोड़राम का अपना गांव है। और 7वें राउंड की गिनती में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह, जिसमें उनका पैतृक गांव है, उसके अंदर आपके प्रत्याशी को 4 डिजिट में वोट मिली, नहीं तो बाकी सभी में 3 डिजिट में मिली, कुछ में 2 में भी मिली। 7वें राउंड के अंदर जो गिनती हुई उसके अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को 4 डिजिट में वोट मिला, यानी कि 1010। नहीं तो इसके अलावा जो बाकी सभी राउंड रहे 12 राउंड के अंदर आपके प्रत्याशी की या 3 डिजिट में वोट थी या कुछ उनमें 2 डिजिट में वोट थी। तो मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, हमने पहले ही कहा था कि ये धरातल पर कहीं दिख नहीं रही, अगर बालसमंद को छोड़ दें जहां की जनता ने अपने पैतृक निवासी यानी कि अपने बीच के रहने वाले कोड़राम का साथ कुछ हद तक दिया, नहीं तो इसके अलावा पूरे आदमपुर क्षेत्र के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी की कहीं कोई हवा ना चुनाव से पहले दिख रही थी और ना वो मतगणना में कहीं नजर आई। हमने आपको पहले बताया भी था जब हम चुनाव वहां का करने गए थे कवर, उस समय भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने की सीधी टक्कर है, सीधा मुकाबला है और इस मुकाबले के अंदर दिख रहा था जो टफ मुकाबला दिख रहा था। लेकिन आदमपुर की जनता के अंदर एक बात थी कि वो हालांकि कुलदीप बिश्नोई से कहीं कुछ नाराजगियां थी, लेकिन यह जरूर था कि भव्य बिश्नोई को मौका दें, क्योंकि भव्य बिश्नोई एक बार पहले चुनाव भी हार चुके थे लोकसभा का, उस लोकसभा के चुनाव में भव्य आदमपुर से भी हारे थे। और दूसरी बात यह थी
कि अभी सरकार के 2 साल बाकी हैं और क्षेत्र की जनता को, जो आदमपुर क्षेत्र की जनता है, उसके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार वो सत्ता के साथ चलेंगे। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान हमने जब आपके साथ कुछ अपने वीडियो साझा किए थे, उससे मैं आपको बताया था कि आदमपुर क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, आदमपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव था किन मायनों में अहम था और क्या मुद्दे थे उसके। 2 मतें नहीं आदमपुर के अंदर, एक मतदाता इस प्रकार का था, इस वर्ग का था कि जिसके मन में कहीं ये बात थी कि एक बार अब वो सरकार के साथ चले, क्योंकि उपचुनाव तो हो ही रहा है और यदि सरकार के प्रत्याशी को चुनाव जिताया जाए। ये वो मतदाता थे जिनके मन में कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति भी, उनके प्रति सहानुभूति कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो चौधरी भजनलाल के परिवार के झंडा बरदार रहे हैं। और दूसरा मतदाता वो था कि जिसके मन में एक बात चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदमपुर के अंदर एक तरफ विकास का मुद्दा है और एक तरफ जाति का मुद्दा है। जो जाति वाले मुद्दे के जो मतदाता थे, जो समर्थक थे, जो वोटर थे, उनके जहन में एक बात चल रही थी कि इस बार अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता लिया जाए। कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल के परिवार में तो उनका भी लगाव था, लेकिन कहीं पिछले कुछ अरसे से कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक फैसले और आदमपुर क्षेत्र की जनता से दूरी एक कारण बन रही थी। और दूसरा, मैंने आपको जो पहले भी बताया कि यह चुनाव जाति के आधार पर काफी हद तक लड़ा गया। आदमपुर के गांव और बूथ, इसकी मतदान और बाद में मतगणना के आंकड़ों पर अगर आप आकलन करेंगे, उसका विवेचन करेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आदमपुर क्षेत्र की जनता ने अब की बार जाति का मुद्दा काफी प्रभावी रहा। आप देख सकते हैं कि जैसे 13 नंबर मतगणना राउंड था, जो उसके अंदर जाट मेजोरिटी गांव है, जाट बाहुल्य गांव है, और वहां जयप्रकाश आगे रहे। दूसरे नंबर पर भी कुंवर राम रहे, क्योंकि उस गांव के थे। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो दूसरा राउंड था जिसके अंदर 1000 वोट से लगभग जेपी आगे रहे, उसके अंदर भी सैदलपुर और इस टाइप के गांव थे जो जाट बाहुल्य हैं। 11वें राउंड के अंदर भी आदमपुर के अंदर जो बालसमंद गांव के कुछ बूथ इसके अंदर आते थे, 11वें, 12वां और 13वां, इनके अंदर ये जाट बाहुल्य एरिया के थे, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं कि जो बूथ नंबर मतगणना राउंड जो 4 नंबर और 12 नंबर था, इनके अंदर भी नेक टू नेक फाइट रही। यानी कि वहां मिला जुला मतदाता था, बड़ी संख्या में जाट मतदाता भी थे और बड़ी संख्या में बिश्नोई और अन्य कास्ट के मतदाता भी थे, और इसके चलते वहां पर चौथे राउंड में और 12वें राउंड में लगभग 150 वोटों का गैप रहा भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में। तो मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर विकास प्लस जाति दोनों मुद्दे थे। अब ये भविष्य के गर्भ में आने वाले समय में है कि वहां पर इस प्रकार से विकास की गति को रफ्तार दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस उपचुनाव का हरियाणा की राजनीति पर कैसा असर रहेगा। दोस्तों, हरियाणा की जो सरकार चल रही है आज के समय में, वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। भाजपा के अपने 40 विधायक थे और इसके बाद में भाजपा के 41 विधायक हो गए। 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के और 6 निर्दलीय जो विधायक हैं वो सरकार के साथ हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस उपचुनाव की जीत का सरकार पर कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ना, लेकिन जो 2 प्रमुख बातें हैं इस उपचुनाव के परिणाम के बाद में, एक तो जो मनोहर लाल खट्टर सरकार पर यह चल रहा था दंश कि पिछले 3 साल में जो 2 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, हालांकि उन दोनों उपचुनाव के अंदर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों सीटें बीजेपी की नहीं थी, चाहे वो बड़ौदा सीट थी वो कांग्रेस की थी और जो एलनाबाद सीट थी वो इनेलो की थी। दोनों सीटें बड़ौदा को कांग्रेस ने जीता और एलनाबाद को इनेलो ने जीता। हालांकि मान सकते हैं भाजपा के पास वहां भी कहने के लिए उपलब्धि थी कि उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के अंदर अपना वोट शेयर बढ़ाया। आदमपुर के उपचुनाव को जीतने के बाद में जो हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को, जो पिछले 2 उपचुनाव हारने की वजह से कहीं सरकार का डाउनफॉल माना जाता था, उससे मुक्ति मिलेगी और जो कहीं सरकार की लोकप्रियता के पैमाने पर गिना जाता था, अब उस बात से भी मुक्ति मिलेगी कि आदमपुर जैसा क्षेत्र जहां कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, वहां कमल लहरा गया। अब इस उपचुनाव का जो सबसे प्रमुख असर होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो चौधरी भजनलाल परिवार को होगा। चौधरी भजनलाल परिवार की यह राजनीतिक अग्नि परीक्षा थी जिसके अंदर वो सफल हो गए। भव्य बिश्नोई चुनाव जीतने के बाद में जहां चौधरी भजनलाल के गढ़ को, उनकी साख को बचाने में कामयाब हो गए, वहीं इसके साथ साथ ही 25 साल से
आदमपुर के राजनीतिक सूखे को उन्होंने खत्म कर दिया एक तरह से, और 25 साल बाद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का चुना हुआ नुमाइंदा अब सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व करेगा। इस उपचुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। 2024 के जो चुनाव होने हैं उस चुनाव के लिए जबकि आदमपुर को सेमीफाइनल माना जा रहा था, सरकार का टेस्ट माना जा रहा था, उस टेस्ट में सफल होकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि अभी उसमें दम है और 2024 के अंदर वो एक बार पूरे दमखम और जोश के साथ मैदान में उतरेगी। उपचुनाव में जीत का जहां सीधे सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भारतीय जनता पार्टी, भजन लाल परिवार और भव्य बिश्नोई को फायदा होगा, वहीं यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि कांग्रेस पहले इस चुनाव में जीती थी। कांग्रेस का विधायक था कुलदीप बिश्नोई के रूप में, कांग्रेस के विधायक थे। इस उपचुनाव को हारने के बाद में विधानसभा के अंदर कांग्रेस की शक्ति भी घटी, यानी कि वापस उसके 31 से 30 एमएलए हो गए। दूसरी बात, इस उपचुनाव को हारने से जहां कांग्रेस के राजनीतिक ग्राफ पर असर पड़ेगा, वहीं यह सीधे सीधे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे ले जाने वाला रहेगा। इस पूरे उपचुनाव को मान ले कि कांग्रेस के नेतृत्व के नाम पे, कांग्रेस के नेताओं के नाम पर अगर कोई लड़ने वाले लोग थे तो वो ये तीनों लोग थे, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता इस पूरे चुनाव से दूरी बनाए रहे थे। आपको यह भी बता दें कि उपचुनाव के अंदर जो प्रत्याशी तय हुआ, वो प्रत्याशी तय करने से लेकर और चुनाव प्रचार करने तक, मतदान तक, सभी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार का, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान का ही वर्चस्व रहा था। मान ले कि इस उपचुनाव को हारने के बाद में जहां कांग्रेस की साख को बट्टा लगा है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी कहीं ना कहीं अपनी आला कमान को सफाई देनी पड़ेगी। आदमपुर उपचुनाव के परिणाम के असर की अगर हरियाणा की राजनीति पर बात करें तो संभवतः इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर भी दिख सकता है। पिछले काफी समय से इस प्रकार की चर्चाएं रही हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जो हिसार है, आदमपुर हिसार के अंदर आता है और हिसार चौधरी भजनलाल परिवार का, कुलदीप बिश्नोई का वहां पर अच्छा प्रभाव है, अच्छा असर है। कुलदीप बिश्नोई और अजय सिंह चौटाला, उसके बाद में दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अजय सिंह चौटाला को और दुष्यंत चौटाला को चुनाव हराया था, तो दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को चुनाव हराया था। इसके बाद दूसरी एक और बात देख सकते हैं कि जो हिसार के वर्तमान सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये उनके सियासी सफर पर भी, उनकी राजनीति पर भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव परिणाम का असर आ सकता है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं थी कि आदमपुर जीतने के बाद में हिसार के अंदर कुलदीप बिश्नोई की पकड़ बढ़ जाएगी, कुलदीप बिश्नोई की सेव बढ़ जाएगी। इस उपचुनाव का एक और जो मुख्य असर पड़ सकता है वो हिसार के साथ लगते हुए जिले हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, क्योंकि इन जिलों के अंदर भी बिश्नोई मतदाता भी हैं और कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल परिवार का इन जिलों पे असर भी रहा है। आपको बता दें जबकि 2014 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस थी कुलदीप बिश्नोई की, केवल दो सीटें आई थी, एक आदमपुर और एक हांसी। आदमपुर से खुद कुलदीप बिश्नोई जीते थे और हांसी से उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक बनी थी। आदमपुर उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर रहेगा, भव्य बिश्नोई के रूप में जब वो विधानसभा की शपथ लेंगे और उसके बाद क्या हरियाणा की वजारत के अंदर भव्य बिश्नोई को कोई मुकाम मिलेगा, ये बात इसलिए क्योंकि 1 नवंबर को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर में सभा करने गए थे तो उन्होंने जनसभा के अंदर ये कहा था कि एक बार भव्य का हाथ मेरे हाथ में दे दो, आगे मैंने जानी। तो इन सब बातों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति पे क्या असर होगा, आदमपुर के अंदर क्या असर होगा, ये भविष्य गर्भ में है। लेकिन एक बात जरूर है और जो आदमपुर जनता, क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि आदमपुर भी अब विकास की राह पर दौड़ेगा, लगता है बस स्वप्न साकार होने का समय आ गया है और लगता है कि आदमपुर क्षेत्र की जनता ने जिस सोच के साथ अपना मतदान किया होगा, संभवतः कि वह राजनीतिक सूखे को वहां के दूर करेगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम, अन्य वीडियोस देखने के लिए, राजनीतिक गतिविधियां जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।